माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए सार्वजनिक जीवन में, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने एक बात हमेशा कही और वो अंत्योदय की कही, आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान की भलाई की बात कही, चाहे पूज्य बापू हो, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर हो, चाहे लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, हर किसी ने इसी बात को कहा। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारे मन में यही भाव रहा, जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार ही सिर्फ होती है। हमने देश आजाद होने के बाद एक ऐसा कल्चर जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया, या तो उसको बढ़ाने में हमें बल दे दिया, और मैं शब्द प्रयोग हम करता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, हमने न जाने अनजाने में एक ऐसा कल्चर प्रसारित किया जिसमें देश के सामान्य मानवीय को अपने हक के लिए व्यवस्थाओं के साथ जूझना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको लड़ना पड़ता है। कई इस आजादी के लिए वो निकला था, क्या सामान्य मानव उसके हक की चीजें सहज रूप से व्यवस्था के तहत जिसका वो हकदार है वो उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और मिले या न मिले, वो शिकायत करे या न करे, हमने मान लिया था कि ये तो सब ऐसे ही चलता है। मैं जानता हूं इस चीजों को बदलने में कितनी मेहनत लगती है, राज्यों को भी ऑन बोर्ड लाने में कितनी तकलीफ होती है, और 70 साल की बीमारियों को 5 साल में पूरा करना कठिन होता है। लेकिन मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमने दिशा वो पकड़ी, कठिनाइयों के बावजूद भी उस दिशा को हमने छोड़ा नहीं। न डाइवर्ट न डाइल्यूट, हम उस मकसद से चलते रहे और ये देश दूध का दूध पानी का पानी भली भांति कर सकता है। और उसने शौचालय को सिर्फ 4 दीवार नहीं समझा, घर में चूल्हा पहुंचा तो सिर्फ खाना ढंग से पका उतना नहीं समझा, उन हर व्यवस्था के पीछे उस मकसद को उसने समझा कि आखिरकार ये क्यों कर रही है सरकार। मैंने तो चूल्हा मांगा नहीं था, मैंने तो बिजली के कनेक्शन के बिना जिंदगी गुजार दी थी, वो क्यों कर रहे हैं? पहले प्रश्न उठता था क्यों नहीं करते हैं, आज उसके मन में विश्वास पैदा हुआ ये क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं से लेकर के क्यों करते हैं, ये यात्रा बड़ी लंबी थी लेकिन उसमें विश्वास भरा हुआ था जिसने अपनेपन को उजागर कर दिया, और जो आज देश में एक नए सामर्थ्य की अनुभूति करा रहा है और उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि जिस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट के रूप में देश गरीबी से जब जूझ रहा है तो उनको उन योजनाओं के तहत ईज ऑफ लिविंग के लिए जो भी एक सामान्य मानवीय की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो, लेकिन देश आगे भी बढ़ना चाहिए। गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का एम्पावरमेंट हो, लेकिन साथ साथ आधुनिक भारत को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए।
तो ऐसी पटरी पर विकास की धारा चलनी चाहिए जहां एक तरफ वेलफेयर को लेकर के ध्यान केंद्रित हो, सामान्य मानवीय की जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भरपूर प्रयास हो, और दूसरी तरफ वो पटरी हो जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे। देश को आधुनिक बनाने के लिए योजनाओं को लागू करें, और हमने उन दोनों तरफ बल दिया, और हाईवेज हो या हाईवेज हो, वॉटरवेज हो, रेल हो या रोड हो, उड़ान योजना से हवाई जहाज की व्यवस्था हो, स्टार्टअप हो, इनोवेशन हो, टिंकरिंग लैब से लेकर के चंद्रयान तक की यात्रा की कल्पना हो, इन सारी चीजों को एक आधुनिक भारत और एक अनेक चुनौतियों से जड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है।